प्रदेश की हॉट सीट में शुमार। उचाना कला से कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने परिवार की मौजूदगी में अपना नामांकन भर दिया है। उनके नामांकन में पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के साथ कई नेता मौजूद रहे। बृजेंद्र सिंह ने अपने नामांकन से पहले अपने चुनावी कार्यालय में हवन किया, उसके बाद रोड शो निकाल कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। अकेले उचाना कला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की तरफ बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। बहुत भारी बहुमत के साथ कांग्रेस जीतने जा रही है। बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि बड़ा मुद्दा हरियाणा में बेरोजगारी का है, और सबसे बड़ा मुद्दे की बात की जाए तो प्रदेश की जनता भाजपा सरकार की कारगुजारियों से ऊब चुकी है। उनको सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। यह प्रदेश की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं की बेरोजगारी है, जो प्रदेश में आजकल माहौल बना हुआ है पलायन का, जिसको डोंकी रूट भी बोलते हैं। बहुत से युवा अपनी जमीन जायदाद बेचकर विदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। पूरा कांग्रेस के पक्ष का माहौल है, सिर्फ यहाँ यानी पूरे प्रदेश में एक जैसा सा माहौल है करीब करीब, और बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस जीतने का मुकाबला है वो बीजेपी के साथ, और वही बात पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी का, बेसिकली प्रदेश सरकार की जो पिछले 10 साल की कारगुजारी रही है उनके खिलाफ मुद्दे हैं, क्योंकि जो 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 जनमत है वो उस और उसका रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। और उसके अलावा जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है, और वो सिर्फ उचाना तक सीमित नहीं है, पूरे हरियाणा का यदि आप आंकड़ा उठा कर देखें, सरकारी आंकड़े हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर जो देश में है वो इस समय हरियाणा में है। तो ये युवाओं के साथ जो पिछले 10 साल में अन्याय हुआ है, और ये जो एक पलायन का सिलसिला चला है जिसको आप डंकी रूट बोलते हो, तो लोग गैर कानूनी या कानूनी तरीके जैसे भी है अपना घरबार छोड़ के, जमीन बेच के, या जिसका जैसे भी साधन है वो विदेश में जाने का जो प्रयास हो रहा है और जा रहे हैं, वो इसी वजह से है कि बेरोजगारी बहुत व्याप्त है इस समय प्रदेश में। तो वो एक मुद्दा तो बहुत बड़ा है ही। उसके अलावा मुद्दे हैं कुछ राष्ट्रीय स्तर के हैं, जैसे MSP का कानूनी जामा पहनाने की बात है, तो वो कांग्रेस पार्टी की तो कमिटमेंट है कि हमारी केंद्र में सरकार जब भी आएगी तो उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। दूसरा अग्निपथ स्कीम जो है, जिसका बहुत भारी नुकसान हरियाणा के युवाओं को हुआ है दोबारा से, और उसके अलावा पूरा जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें युवाओं को बहुत उससे नुकसान हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए, खासतौर पर युवाओं के लिए। तो अनेकों मुद्दे हैं, वो तो जब इलेक्शन में जाएंगे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।